ज्ञान वापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन का यह दावा है कि वजू खाने में जो शिवलिंग मिला उसमें हीरा जड़ा गया था जिसे कब्जे के बाद निकाल लिया गया, इसी वजह से शिवलिंग पर ऊपर की ओर ये दरार दिख रही है, यानी कि दरार के ठीक बीचों बीच एक हीरा जड़ा हुआ था, ये इनका दावा है। ज्ञान वापी पर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष के जवाब में ये कहा गया कि दरअसल ये दरार की वजह क्या है, फव्वारे की थ्योरी बिल्कुल गलत है। हरिशंकर जैन ये कह रहे हैं दरअसल वहां पर कोई फव्वारा ही नहीं है, वहां पर एक हीरा जड़ा हुआ था। अब ये वीडियो में भी आप समझिए, ये दरअसल वही शिवलिंग हम आपको दिखा रहे हैं जिसको लेकर पूरा विवाद इस वक्त चल रहा है। आज आप किस तरह की दलीलें कोर्ट में पेश करने वाले हैं? नहीं, पहले मैं बता दूं जी कि कोई रोक ऐसा नहीं लगाई है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है और हमारी एप्लीकेशन में पेंडिंग है कि शिवलिंग के अगल बगल जो दीवार खड़ी है उसको हटाया जाए, तो कोर्ट ने कहा कि तब तक आप इसको प्रोसीड मत कीजिए। तो हमने अंडरटेकिंग दिया है कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तब अभी कोर्ट लोअर कोर्ट में प्रोसीड नहीं करेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में आप किन मुद्दों पर या फिर किन तथ्यों पर आज बात रखेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 274 पेज का जो कुछ बहुत शार्ट है, अभी मैंने पूरी बात नहीं लिखी है, बहुत ही शार्ट कट है, वो पूरा जवाब सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं जिससे शो होता है कि काशी क्या है, काशी का धार्मिक महत्व क्या है। काशी एक नगरी नहीं है, ये धार्मिक नगरी है। भगवान शिव ने स्वयं इसको बसाया था। जो पुराणों में और शास्त्रों में जो श्लोक से वोमन लगा दिए हैं जिससे साबित होता है कि यहाँ ये जगह खाली एक मंदिर और मस्जिद पंगा नहीं है, बल्कि पूरा एरिया 5 करोड़ का एरिया वो अमुक्त एरिया है। दूसरा, औरंगजेब जब आया था तो उसने किस तरह से विध्वंस किया था, पर विध्वंस करने के बाद भी पूरा मंदिर विध्वंस नहीं कर पाया था और मंदिर के जो शेष भाग थे उस पर हिंदू बराबर पूजा करते रहे। आप यदि इस बार एक बार समझा पाए तो कि इसमें ही पाया गया है मंदिर के अंदर भी और मंदिर उस मस्जिद के भीतर भी की तस्वीर के ऊपर जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, इस दीवार के ऊपर त्रिशूल, कमल के फूल और स्वस्तिक, इस सभी तरह के निशान पाए गए हैं, तो आप तस्वीर के जरिए हमें समझा पाए। देखिए, ये पश्चिमी दीवार है, ये पुराने मंदिर की पश्चिमी दीवार है। जो पश्चिमी दीवार पूरी की पूरी सारी की सारी कलाकृतियाँ सब मंदिर की हैं। मैं इसके अलावा बात कर रहा हूँ, यहीं पर माँ श्रृंगार गौरी का चौकट है, इसी जगह पर बारिश से में जी, यानी इस चौकट से पूजा करके तब यहाँ आते हैं। बिल्कुल। और ये जो पूरी दीवार आप देख रही हैं जिसको एक तूप रखा हुआ है, ये टूटा हुआ जो दीवार इसके ऊपर रखा हुआ है और तूप के अंदर एक जो शिखर हिंदू मंदिर का वो है, यानी पुराने हिंदू मंदिर के शिखर के ऊपर ये तूप रख दिया गया है। यानी कि जो गुंबद की बात कर गुंबद, इस गुंबद का भी जिक्र किया गया उस रिपोर्ट में, तीन गुंबद और इसके तीनों गुंबद के नीचे पुराने शिखर है। और जब नीचे देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, और अंदर की फोटो आई है, पूरी फोटोग्राफ रखी हुई है। तो इन्हीं तथ्यों पे आज आप कोर्ट में बात। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी सर, ये वो तस्वीर है जो काफी हम लोग देख सकते हैं कई दिनों से। यहाँ पर ये कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि ये है शिवलिंग, और ये कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि शिवलिंग नहीं है, ये एक फाउंटेन है। लेकिन जब हमने एएसआई के जो पूर्व निदेशक है उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर ऊपर जो ये दिख रहा है ये चिपकाया हुआ कुछ लग रहा है और ये मूल रूप से शिवलिंग ही था। इसको आप किस तरह से कोर्ट में पेश करने वाले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा विवादों में है? देखिए, ऐसा है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है जी, जब ओरिजिनल शिवलिंग यहाँ जो था जो भी जी, तो वहाँ पर हीरे रखने के लिए जगह बनी हुई थी। क्या रखने के लिए? हीरे रखने के लिए यहाँ दिख रही है, ये हीरे रखने की जगह बनी हुई है। अच्छा, हीरे हटा दिए गए हैं पर वो जगह वैसे ही है। मतलब आपका कहना है शिवलिंग के ऊपर ये जो जगह यहाँ पर हीरे रखने के लिए बनाई थी? जी हाँ। अब ये जाँच होगी तो मालूम पड़ेगा। और फव्वारा वगैरह कहीं नहीं देखा तो बेकूफ बनाने वाली बात है। हाँ। कोई फव्वारा नहीं है। तो आप हीरे वाली बात भी रखेंगे आज कोर्ट में? ये तो जांच की बातें भी कहेंगे जी। ये जो यहाँ पर है, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है जी कि यहाँ हीरे रखने की जगह है, ये जिसको रखने के लिए बनाया गया था, तो हीरे गायब है और ये पूरा शिवलिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है।